हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एन अवस्थी बुक के क्वेश्चन आंसर के सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन 53। क्वेश्चन 53 में हमसे पूछ रखा है कि आपको एक कंपाउंड में मास परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा है, उसकी डेंसिटी, प्रेशर, ये सारी चीज़ें दे रखी है, तो आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको किसी का भी मास परसेंटेज दे रखा है तो उससे आप उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना सकते हो। एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए, एलिमेंट लिखते हैं। एलिमेंट के बाद क्या लिखते हैं, उसकी परसेंटेज लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, उसकी परसेंटेज अपॉन मोलर मास लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका सिंपल रेशियो ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन ये इस तरीके से, ठीक है, कार्बन का कितना परसेंटेज दे रखा है, 85.7। हाइड्रोजन का परसेंटेज 14.3। तो कार्बन का वेट कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का वेट 1। तो 85.7 बाई अगर आप 12 करोगे तो ये आ जाएगा 7.14। इसको अगर करोगे तो ये 14.30। तो ये अप्रॉक्सीमेटली सिंपल रेशियो में इन जो छोटी क्वांटिटी उसको सबसे डिवाइड कर देना होता तो ये आ जाएगा 1 और 2। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CH2। CH2 क्या है, इसका एक एम्पेरिकल फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मैं बोलूँ कि वेट ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका वेट कितना हो जाएगा, तो ये आप बोलोगे 12 + 2 = 14 इसका वेट है, ठीक है। अच्छा, अब हमको नेक्स्ट कुछ और डेटा दे रखा है कि उसकी डेंसिटी दे रखी है, टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है। तो हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन से PM इज इक्वल्स टू DRT होता है। तो यहाँ से मास क्या आ जाएगा, DRT बाई प्रेशर आ जाएगा। और डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 2.28, R की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाती है, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 300। प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है, रखी है 1। यहाँ से आप मास कंपाउंड का निकालोगे तो 56 हो जाएगा। ये 56 क्या है, ये 56 है मोलर मास है आपके पास। तो आपको पता होता है, अगर यहाँ पे हम ये जो साइड में जगह बची यहीं पे समझ लेते हैं कि आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है एम्पेरिकल फार्मूला टाइम्स ऑफ एन। वहाँ पे एन क्या होता है, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन वेट ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। ये हम पहले से जानते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला में किसी नंबर एन का मल्टीप्लाई करते हैं। ये एन क्या होता है, वेट ऑफ एम्पेरिक मॉलिक्यूलर फार्मूला अपन वेट ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास है 56 और एम्पेरिकल फार्मूला का वेट है 14। तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 4। तो एन की वैल्यू अगर 4 आ जाएगी तो आपका ओरिजिनल फार्मूला क्या बन जाएगा, CH2 में जस्ट 4 का मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आ जाएगा, C4H8 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, हमारे पास सी ऑप्शन प्रेजेंट है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार अगर ध्यान से देखोगे तो कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 54 में हमसे पूछ रखा है इन्होंने, एक सेकेंड, क्वेश्चन 54 में हमसे पूछ रखा है इन्होंने कि कंबस्शन किसी कंपाउंड का हम करते हैं तो उसमें 2.64 ग्राम्स ऑफ CO2 और 1.26 ग्राम्स ऑफ H2O मिलता है, तो लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट बताना है। तो हम मान लेते हैं फिलहाल कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मैंने बताया कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न करते हो तो उससे XCO2 प्रोड्यूस होती है और Y/2 क्या प्रोड्यूस होता है, H2O प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस टाइप से होता है XCO2 और Y/2 H2O, यानी जितने मोल्स कार्बन के यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उतने ही मोल यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो वेट ऑफ CO2 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2.64 ग्राम्स। वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 1.26 ग्राम। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके कितने मोल्स आ जाएंगे, 2.64 का मतलब हो जाएगा 0.06 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। और 1.26 ग्राम्स का मतलब क्या हो जाएगा, 1.26 ग्राम्स का मतलब हो जाएगा 0.07 मोल्स हो जाएंगे। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू तो Y/2 की है, तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.14 मोल आ जाएगी, ठीक है। Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.14। और ये तो जितने मोल्स इसके आएंगे उतने ही x यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, CXHY। तो C x के जगह पे क्या रखना होगा हमको, 0.06। HY के जगह पे क्या रखना होगा, 0.14। इसको ज़रा सा आप सॉल्व करोगे तो ये क्या फार्मूला दे देगा, C3H7। C3H7 इस टाइप से आ जाएगा। तो
अगर आप इसका सिंपल रेशियो लोगे तो C3H7, और C3H7 का अगर आप मास निकालने की कोशिश करोगे तो ये कितना, कार्बन की वजह से 12 × 3 = 36, हाइड्रोजन की वजह से 1 × 7 = 7, 36 + 7 आ जाएगा 43। ध्यान रखिए हमेशा फॉर्मूला निकालने का मतलब ये होता है कि एक्चुअल फॉर्मूले निकालें, मोलर रेशियो भी फॉर्मूले को ही देता है कि कितने मोल्स कंबाइन कर रहे हैं, तो अगर आप मोलर रेशियो फाइंड करते हो तो वो भी चीज़ें आपको क्या देंगी, फॉर्मूला ही देंगे। तो हमने बस इसको बहुत सिंपल स्टेप में किया, XCO2Y2H2 बनेगा, आपको CO2 का वेट दे रखा था 2.64 ग्राम्स, तो उसमें कितने मोल्स आए हमने ये निकाला। फिर वाटर का वेट दे रखा था 1.26 ग्राम्स, तो उसमें कितने मोल्स आए, 0.07, लेकिन ये वैल्यू थी Y/2 की, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई। फिर ये दोनों के मोल्स आ गए तो मोलर रेशियो ले लिया, कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया, कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया तो उससे हमने वेट निकाल दिया, तो इसका आ गया 43, यानी आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे एन अवस्थी बुक के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का ही वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो उसको आप कमेंट मेंशन करें, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।